नमस्ते, वेलकम टू इंस्पायर DIY। मेरा नाम है पद्मजा। आज के वीडियो में हम बनाएंगे दिया तोरण। जो तोरण आज हम DIY करेंगे वो दिया तोरण है, और दिया तोरण का मतलब है उसमें दिए नहीं जलाने हैं, उसमें बस बैटरी ऑपरेटेड लाइट आप रख सकते हैं। इसको आप अपने दरवाजे पे लगाकर इसको सजा सकते हैं, इसको आप अपने पूजा घर में लगाकर सजा सकते हैं। इसके अलावा इसको आप अलग अलग स्ट्रिंग बना सकते हैं, इसके ऊपर वाली आप जो लड़ी है वो ना बनाकर यू कैन जस्ट मेक सिंगल सिंगल स्ट्रिंग्स एंड यू नो डेकोरेट योर होम। इससे आपके घर को बहुत ही सुंदर सा ट्रेडिशनल सा कलरफुल सा लुक मिलेगा। ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जस्ट अ स्मॉल थिंग टू मेंशन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यू आर न्यू टू द चैनल, यू आर वॉचिंग आवर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प अस ग्रो। और सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। Now let's just start the video. सबसे पहले हम लेंगे एक लंबा यान। आप ध्यान रखेंगे जो भी आप धागा लेंगे वो स्ट्रांग हो, और उसको आप डबल लेंगे ताकि वो स्टडीली हैंग हो सके। पॉम्पॉम बीड्स और कॉडी से हम एक माला रेडी करेंगे। आप अपने दरवाजे को मेजर करके इसको बनाना। अब मैंने लिए हैं 5 बॉटल के कैप और लकड़ी की चम्मच। आप प्लास्टिक के चम्मच भी ले सकते हैं। फॉर स्टिकिंग आई एम यूजिंग फेविकॉल। स्पून को कट करके हम इसको फ्लावर के शेप में कैप पे स्टिक कर देंगे। इसके बाद हम इस पे एक और लेयर क्रिएट करेंगे। नेल के हेल्प से आप होल बना सकते हैं। 8 में से 4 स्टिक पर हम होल बना लेंगे। और अल्टरनेटली स्टिक कर देंगे। चार्ट पेपर को सर्कल में काट के इसके पीछे स्टिक कर देंगे ताकि इसको अच्छी फिनिशिंग मिले। ये जब पूरी तरह सूख गया, मैंने इसको स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया है। आप एक्रेलिक कलर, एनामेल कलर कोई भी यूज कर सकते हो। अब हम इक्वल नंबर में पॉम पॉम और बीट्स से एक टैसल बनाएंगे। We'll be right back.
ऊपर से नॉट लगाकर बचा हुआ थ्रेड काट लेंगे। यहाँ मैंने ऊपर एक लंबा धागा बांध दिया है ताकि हम इसे हैंग कर पाए। ऐसे मैंने 5 टैसल बनाए हैं। अब 5 टैसल को हम इस माला पर बांध लेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प अस ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।